बुरहानपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वन विभाग की दुर्दशा बदलने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग सरकार को ही चूना लगा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की लापरवाही से यहां रखी सैकड़ों सीमेंट की बोरियां पत्थर बन गई है। बता दें कि वन विभाग परिक्षेत्र शाहपुर के अंतर्गत आने वाली वन चौकी भाबसा में निर्माण कार्य के लिए सीमेंट की बोरियां लाई गई थी। उस बोरियों को एक रूम में रखा गया था, लेकिन वन चौकी भाबसा की लापरवाही के चलते 400 बोरियां सीमेंट की पत्थर बन गई है। साबकारी का कहना है कि मामले की शिकायत DFO और उच्च अधिकारियों से की जाएगी। वहीं मामले में SDO अजय सागर ने कहा है कि पहले जांच की जाएगी, इतना सीमेंट किस लिए लाया गया था, और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला भावसा वन चौकी का है, यहाँ पे सीमेंट पत्थर बन गया, लंबे समय से पड़ा हुआ है, चौकी बनने के लिए आया था। उसकी कीमत प्रति बोरी 350 के हिसाब से अभी 350 बोरी के ऊपर है, तो गवर्नमेंट को कितना इन्होंने चूना लगाया, इसकी जांच होना चाहिए। आप मेरे संज्ञान में ये मामला लेके आए हैं, मैं जरा अपने स्टाफ से पता करता हूँ कि वो सीमेंट किस पर्पज से आया था और क्यों यूज नहीं हुआ, उसकी हम जानकारी लेंगे। तो सर क्या उसकी वसूली हो जाएंगे, इसे जिम्मेदारी, इतनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, शासन के पैसे जो भी हुआ है, जब कोई लापरवाही है तो शासन के निमानुसार जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो होगी उस पर।